नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड न्यूज टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। आज महाशिवरात्रि है और मंदिरों की रौनक भी देखते ही बन रही है। शहर शहर शिव का जयकारा मंदिरों में गूंज रहा है। आज हम आपको देश भर से के शिवालयों से आई तस्वीरें दिखाएंगे। महाशिवरात्रि महादेव के भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और शिवरात्रि को दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व भी इसे कहते हैं। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। देश के मंदिर शिव की भक्ति शिव की शक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में महाकाल का धाम भी है और काशी विश्वनाथ का महाधाम भी। इन तस्वीरों में आप देवघर में बाबा के उस धाम को भी देख सकते हैं जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त जुटे हैं। भोले की भक्ति में दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर भी सुबह से रमा हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में तड़के सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू के शंभू मंदिर में शिव भक्तों को जोश देखते ही बन रहा है। अमृतसर भी महादेव की भक्ति में लीन है। इन 7 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के शिवालयों में इस वक्त महादेव के जयकारे की गूंज है। तो भोले की नगरी काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे जो हैं वो गूंजते रहे और पूरा काशी शिवमय हो उठा। वहीं दूसरी ओर मंगला आरती की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाबा विश्वनाथ का विधिवत श्रृंगार किया गया, विशेष पूजा अर्चना की गई। मंगला आरती के बाद से लगातार 41 घंटे अब बाबा काशी विश्वनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। तो देख सकते हैं आप 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों में लगा हुआ है। कहीं बाबा के जयकारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं, कहीं बाबा के भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और सुबह से ही भक्त जो हैं बाबा के एकमात्र दर्शन के लिए ललायत है। और अब आपको उज्जैन से आई महादेव के भव्य दिव्य स्वरूप की तस्वीरें दिखाते हैं। महाकाल के दर्शनों के लिए लाखों लोग उज्जैन नगरी पहुंच रहे हैं। बाबा की एक झलक पाने के लिए महाकाल के दरबार से जन सैलाब उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुबह बाबा को जल अर्पित कर दूध दही और सुगंधित द्रव्यों से पंचामृत अभिषेक किया गया और उसके बाद बाबा का मनमोहक श्रृंगार कर भस्म आरती हुई। इस दौरान भस्म आरती में मौजूद हर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर भाव विभोर हो उठा। महाशिवरात्रि पर्व पे बाबा महाकालेश्वर लगातार 44 घंटे अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस वक्त हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ हैं और शिल्पी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, देखिए आज महाशिवरात्रि का महासंयोग जो है उसकी बात हो रही है, तो जरा इस पर प्रकाश डालिए कि आज महासंयोग कैसे बन रहा है।
जी बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले आप सबको, जीएनटी के सभी दर्शकों को और गीतिका जी आपको और अदिति जी आपको भी आज इस पावन पर्व की शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और आपके जीवन में भी मंगल रहे, और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबका जीवन भी मंगलमय रहे, और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, उन सब के लिए इस महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महासंयोग की। आज का दिन बड़ा ही शुभ और पावन है, क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि पर शिव योग जो है बन रहा है, और सर्वार सिद्धि योग भी आज के दिन बन रहा है। और आज का दिन विशेष करके शास्त्रों के हिसाब से भगवान शिव के विवाह दिवस के रूप में, और शिव के न, न, जो शिव का जो स्वरूप है उसके रूप में, लिंगेश्वर स्वरूप के रूप में भी आज का दिन माना जाता है। और आज के दिन सब को जो है भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और आज इस संयोग में जो है रात्रि के वक्त सुबह शाम को 6:38 से लेकर के और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन 6:33 तक जो है 4 पहर की पूजा का विधान है। और इस पूजा में भगवान शिव का जो है आवाहन करना चाहिए, शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, और सबसे पहले भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए। और आप सब मिलकर के भगवान शिव की उपासना करेंगे और ध्यान लगाएंगे, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भगवान शिव में हो जाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, 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 जी ओम नमः शंभवाय चे मयोभवाय चे, नमः शंकराय चे महेश्वराय चे, नमः शिवाय चे शिवतराय च। तो भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, और भगवान शिव के इस स्वरूप की आज बड़े धूमधाम से पूजा हो रही है और हर्षोल्लास से। कहते हैं कि जीवन में जो भी त्रिपाप है हमारे जीवन के अंदर, कहते हैं कि वाणी बुद्धि और इंद्रियों को जो है संयम रख करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और आज जो है लक्ष्मी योग भी बन रहा है, तो आज के दिन आप जो है माँ का भी पूजा करें, माँ का आवाहन करें, शक्ति की पूजा करें। जो त्रिपुंड है जो हमारे जीवन के अंदर जी दैहिक दैविक भौतिक ताप है उनको हरने वाला है, और उसके ऊपर जो है आप देखें बिंदी है जो जी शक्ति का प्रतीक मानी गई है। तो हमारे जीवन में शिव और शक्ति का जो संयोग आज के दिन बन रहा है, और माँ शक्ति ने शैलपुत्री के रूप में भगवान शिव की जो पूजा की है, अर्चना की है, और भगवान शिव को पाने के लिए जो तपस्या की है उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए आज का दिन उनके विवाह के रूप में। क्योंकि आज के दिन विवाह और लोग नहीं कर सकते, भगवान शिव का ही विवाह हो सकता है, औरों के जी लिए जी दूसरे तो भी पंडित विवाह जी माना ने बड़ा ही सुंदर मंत्र आपको बताया कि किस तरह से इस मंत्र का जप करने से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करना चाहूंगे हमारी सहयोगी शिल्पी सेन का, जो इस वक्त लखनऊ में मनकामेश्वर जो है धाम है वहां मौजूद हैं। शिल्पी कहा जाता है मनकामेश्वर जो मंदिर है ना, वहां आप कोई भी मनोकामना लेकर जाए वो पूर्ण होती है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, मन की जो कामना होती है उसके पूर्ण होने का एक ऐसा दिन, एक ऐसी रात, क्योंकि महादेव थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको दृश्य दिखाती हूँ। यहाँ पर जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, वहां तक लोग यानी महादेव के भक्त दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ मंदिर में आए, क्योंकि 2 बजे मंदिर खुल गया था और तब से लेकर के अब तक लगातार इतनी लंबी लाइन है, लोग आते जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं महादेव का, जिससे कि वो आज के इस विशेष संयोग में, इस विशेष दिन में दर्शन करने से न चूक जाए। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ मन की कामना पूर्ण होती है,
मनोकामना पूर्ण होती है। एक और खास बात इस मंदिर के बारे में मैं बता दूं, इस मंदिर में कहा जाता है, मान्यता है कि जो शिवलिंग है उसकी स्थापना वीरवर लक्ष्मण ने की थी। राम के अनुज लक्ष्मण जब सीता माता को वन में छोड़ करके जा रहे थे अयोध्या, तब उनको मन में पश्चाताप हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया महादेव का, जिससे उनके मन को शांति मिली। तो इसलिए जो यहाँ आते हैं मनोकामना तो पूर्ण होती है लेकिन मन को शांति पहले मिलती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरा पूरा आप आज के दिन पूरी तरह से महादेव के रंग में रंगी नजर आ रही है। पहले यहाँ आई है जी, मंदिर बहुत सिद्ध है कहा जाता है। आप कब से आती है? 10 साल से। 10 साल से आ रही है, मनोकामना पूर्ण? बिल्कुल बिल्कुल। हम देख रहे हैं लोग हाथ में ले करके जो पूजा का सामान है, क्योंकि दुग्धाभिषेक जलाभिषेक होता है और आज के दिन इसका बहुत ज्यादा महत्व भी है, तो लोग आ रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आई हो, बहुत लंबी लाइन है, कितनी देर पहले आई? मैं आई हूँ 2.5 घंटे पहले, हम विवेकखंड से आए, और मेरे ये फ्रेंड्स भी आए विराटखंड। 2.5 घंटे पहले आई है, लौटेंगे यहाँ पर है। फिलहाल रुक करते हैं मनीष रसिया का, जो हमारे साथ गाजियाबाद से दूधेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं। मनीष बताइए आज वहां पर कैसा नजारा है, शिव के भक्त क्या वहां पर भी लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए बेताब है? बिल्कुल, देखिए भोले का दरबार भोले के भक्तों से गुलजार है और भक्त इतने उत्साहित हैं कि सुबह 4 बजे से यहाँ पर वो लाइन में खड़े हुए हैं। लाइन इतनी लंबी कि मंदिर प्रांगण के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ भी आप ये लाइन देख पा रहे हैं, लेकिन बाहर लगभग 2.5-3 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसमें लोग सुबह 4 बजे से खड़े होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर बेहद खास उसकी मान्यता है, कहते हैं भोले का सबसे बड़ा भक्त रावण खुद यहाँ पर पूजा अर्चना करता था, रावण के पिता यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, और बेहद खास मंदिर, जो भी आप यहाँ पर मानिए अपनी मनोकामना आपकी जरूर यहाँ पर पूरी होती है। और भीड़ इस तरह से है कि लोग बिल्कुल कतार में हैं, अनुशासन के साथ में हैं, लेकिन फिर भी जो कतार है वो बहुत लंबी, तमाम सारे भक्त भी हैं जो लगातार यहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, उनके हाथों में कमंडल है, उनके हाथों में जल है, उनके हाथों में बेलपत्र है, सब कुछ वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि एक बार आज के दिन भोले के दर्शन हो जाए। कितनी देर से खड़े हो लाइन? मैं तो जी परिक्रमा देख आया हूँ। मुझे इतना खास दिन आप लोगों के लिए आज, क्या क्या करोगे जी? ये मानो मतलब इस दिन के लिए मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इतना खास दिन आप लोग के लिए आज, क्या करने वाले? मैं यहाँ रोज आती हूँ, रोज जल चढ़ाती हूँ बाबा पे। और व्रत भी है? व्रत है। कुछ मांगा है, कुछ रखा है? ये बाबा और मेरे बीच की बात है, किसी को बताई नहीं जाती। ये अच्छी बात है कि बाबा और भक्त के बीच की बात है, क्या मांगा है नहीं बताएंगे लेकिन पूरा जरूर होगा, ये आत्मविश्वास जरूर है। यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है, महिलाएं पुरुष अलग अलग लाइन वैसे होती है, लेकिन भीड़ को देखते हुए कई बार आपको ये लाइन मिक्स होते हुए दिखाई पड़ती है। मंदिर को आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, नजारा बहुत ही खूबसूरत है, और इसे इस मंदिर को, इस खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते हैं जब इस तरह के जो जयकारे लगते हैं वो। जयकारों की आवाज यहाँ तक आ रही है, भक्तों में कितना उत्साह है वो तो ये लंबी लंबी कतारें देखते ही बन रहा है। लगातार बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जो जयकारे हैं वो हमें सुनाई दे रहे हैं। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी संजय जी आपका। संजय जी, आज के दिन शिवरात्रि के दिन सुबह से ज्यादा रात की पूजा का महत्व है, जरा उसके बारे में बताइए कि रात की पूजा का इतना महत्व क्यों है? जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि शिव रात्रि कहा जाता है और शिव की रात्रि अर्थात भगवान शिव के विवाह का जो समय है फिर निशा रात्रि में होता है, और इसमें 4 पहर की पूजा का विधान है। और जैसा मैंने बताया था कि 12 शाम को 6:28 से लेकर के और 9:57 तक 1 पहर रहेगा जिसमें हम पूजा करेंगे, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जो काल माना गया है और त्रयोदशी और चतुर्दशी जो तिथि में ये हो रहा है, तो इसमें जो है शिव की पूजा जो है शाम के वक्त करने से विशेष लाभ रहता है, और प्रदोष काल की पूजा का बड़ा भारी महत्व माना गया है शास्त्रों में। तो इस वक्त जो पूजा की जाएगी रात को 9:57 तक पहले पहर की, फिर दूसरे पहर की पूजा होगी 9:57 से लेकर के और 12:05 तक, उसके पश्चात 12:05 से 3:57 और फिर 3:57 से लेकर के 6:33 तक का जो समय माना गया है
इसमें जो पूजा का विधान है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, जैसे भगवान शिव का जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त भी भगवान शिव ने जो विष को ग्रहण कर लिया, उस विष को ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के कंठ से लेकर के और पूरे शरीर में गर्मी हो गई, जिस कारण से हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, उनको शीतलता प्रदान करते हैं। देखें कि मस्तिष्क पर गंगा जी विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, और आप देखें कि उनके गले में सर्प विराजमान है। तो इनको जब हम दूध से, सबसे पहले जल से, फिर गंगा जल, दूध, दही, शहद, पंचामृत से जो भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो उनके अंदर शीतलता आ जाती है। और आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है और भगवान शिव में गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, पार्वती जी और भगवान शिव की उपासना अगर आज के दिन करें शाम के वक्त, तो सबसे बढ़िया जो मुहूर्त है वो रात्रि में 12:05 से लेकर को और 12:26 का जो मुहूर्त है उसमें आप जो भी पूजा करेंगे उसमें आपके जीवन में जो भी कामना करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है आदि अनादि अनंत हैं और उनका ग्रंथि बंधन जब आज के दिन होता है तो उस पूजा में सम्मिलित हों और अपने पूरे मन और श्रद्धा से चारों पहर की पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें और हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी करें, और जो कि रावण ने भी किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उसका एक मंत्र अभी दर्शकों को भी बोल देता हूँ। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावितस्तले गले वलंबि लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नि नाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। इस प्रकार से भगवान शिव की उपासना करते जाएं और माँ पार्वती की पूजा करें। और भगवान कहते हैं कि रामचरितमानस में जो है तुलसीदास जी ने लिखा है, नमामि शमशान निर्वाण रूपम विप्रव्यापकम वेद वेद स्वरूपम। तो कहते कि इतना सुंदर लिखा गया है, भगवान के पूरे स्वरूप की जो है वो प्रार्थना की गई है और उस प्रार्थना में तो आज का दिन बेहद खास, आज के दिन भगवान की वंदना पूजा अर्चना से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे कि अभी संजय शर्मा जी ने बताया, आप मंत्रों का जाप करेंगे तो आज के दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। देखते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाहोत्सव का पर्व है महाशिवरात्रि। इसी दिन देवी पार्वती का तप और संकल्प पूरा हुआ था। इसी दिन भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ विवाह बंधन में बंधे थे और इस विवाह समारोह में सबसे अनूठी थी भोलेनाथ की बारात। आपको दिखाएंगे किस तरह से अलग अलग शहरों में आज भोलेनाथ की बारात निकाली गई, शिव विवाह होगा, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जब आदि युगी से हुआ था आदि शक्ति का मिलन, जब स्वयं शिव ने थामा था पर्वतराज की पुत्री पार्वती का हाथ, वो शुभ दिन जब वैराग्य शिव माता पार्वती संग बंधे थे विवाह के बंधन में, वो तिथि महाशिवरात्रि कहलाई। वो दिन पावन हो गया जब देवाधिदेव महादेव की बारात निकली। सुर असुर भूत पिशाच जीव जंतु सब बाराती बने भोलेनाथ की। ऐसी बारात जैसी पहले कभी नहीं निकली। चराचर जगत की सारी सुंदरता और विरूपता एक साथ शिव पार्वती के विवाह के साक्ष्य बनी थी। बारात निराले महादेव की थी, अद्भुत और अकल्पनीय। भस्म से महादेव का श्रृंगार हुआ, गले में मुंड की माला पहने, मृगछाला पहनकर दूल्हा बने शंकर ने जब डमरू बजाया तो मानो सृष्टि का कण कण नाच उठा। कथा पुराणों में वर्णन है कि जब शिव की बारात पर्वतराज के द्वार पहुंची तो उनकी वेशभूषा और भूत पिशाचों की टोली देखकर उनकी डरावनी आवाजें सुनकर बारात देखने पहुंचे लोग भयभीत हो गए। पर्वतराज और उनकी पत्नी का मुख मलिन हो गया,
वो पार्वती को समझाने लगे, लेकिन देवी पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि कठिन तप के बाद मिले थे महादेव उन्हें। वैसे तो ग्रंथों में भगवान शिव और माँ पार्वती का जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। पुराणों में इनके विवाह की कई तरह की कथाएं हैं। कहते हैं पार्वती पर्वतराज हिमावन की पुत्री थी। असल में पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में वो सती थी जिन्होंने शिव का अपमान होने पर आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया और पति रूप में उन्हें पाने के अपने संकल्प के बारे में बताया, जिसे भोलेनाथ ने पूरा करने का वचन दिया। और फिर आई महाशिवरात्रि की रात, जब महादेव देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे। आदि योगी का एक बार फिर मिलन हुआ आदि शक्ति जगदम्बा से। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पे हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया और शिल्पी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश और दुनिया के शिव भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का पर्व तो मना ही रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करके आशीर्वाद ले रहे हैं। सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं और घंटों इंतजार के बाद भक्त अपने प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं। शिवनगरी में हर वक्त भोले के रंग में रंगा हुआ हर व्यक्ति नजर आ रहा है। वहीं प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। देवादिदेव महादेव का आज विवाह उत्सव है और उनकी नगरी काशी आज इस महापर्व यानी महाशिवरात्रि को मनाने से कैसे पीछे रह सकती है, और इसीलिए आज पूरी काशी नगरी शिवमय होती है। जहां तक नजर जा रही है वहां भक्तों का हुजूम है। हर हर महादेव और बोलबम के उद्घोष के साथ पूरी की पूरी काशी नगरी गुंजायमान होती है। जगह जगह आज शिव बारात निकल रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इलाकों में जो शिव भक्त हैं, काशीवासी हैं, अपने देवादिदेव के लिए शिव बारात निकाल रहे हैं, जिसमें अलग अलग लाग विमान होंगे, झांकियां होंगी। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर, विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर हम खड़े हैं, देख सकते हैं भक्तों का हुजूम लगातार दर्शन पूजन के लिए जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जहां मंदिर के बाहरी हिस्से में पुलिस फोर्स लगाई गई है, पीएससी तैनात की गई है, कोबरा फोर्स तैनात है, तो वहीं अंदरूनी हिस्से में हमेशा की तरह पैरामिलिट्री फोर्स को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। और आज भक्तों के हुजूम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब से 36 घंटों तक लगातार 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जो पिछली बार आंकड़ा था वो 8 लाख का बताया जा रहा है। आज पूरे दिन भक्त यूं ही अब से लेके 41 घंटों तक, जब तक ये महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, यूं ही बाबा के दरबार में हाजिरी आकर लगाते रहेंगे और अपनी आस्था प्रकट करते रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर से मैं रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। तो बाबा की नगरी काशी से आपने तस्वीरें देखी कि कितनी लाखों की तादाद में भक्त वहां मौजूद हैं। बाबा के दर्शन पाने के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता मनीष का, जो इस वक्त दुधेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद है। मनीष, मान्यता है दुधेश्वरनाथ जो मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है वो काफी अंदर जो है धंसता जा रहा है और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उनको एक स्पर्श के लिए जो है बड़े ललायत रहते हैं। बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं खास तस्वीरें दिखाऊं कि दुधेश्वरनाथ मंदिर में इस वक्त आरएसएस का बैंड पहुंचा हुआ है और ये आरएसएस का बैंड हर बार शिवरात्रि, महाशिवरात्रि यानी कि आदि शिवरात्रि और जो सावन की शिवरात्रि होती है तब ये बैंड यहाँ पर आता है और इस तरीके से अपने तरीके से वो शिव के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। तमाम ये बैंड के लोग आप देख पा रहे हैं, खास ड्रम है और तमाम चीजें हैं जिससे वो यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने आई हैं। लेकिन ये उनका तरीका है किस तरह से ये अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को भोलेनाथ के सामने रखते हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरा एक प्रॉपर बैंड है, उनके जो मास्टर हैं उनके वो हैं। हालांकि अभी बातचीत नहीं हो पा रही है इनसे, लेकिन ये तस्वीर मंदिर प्रांगण में बेहद खास हो सकती है
उस वक्त जब यहाँ पर तमाम भक्तों की कतार लगी हो, वो भक्त ही ऐसे बैंड को सुनकर ज्यादा मंत्रमुग्ध होते हैं। तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ कि कतार कितनी लंबी है, और इन्हीं कतारों के बीच में तमाम लोग अपने हाथों में अपने श्रद्धा सुमन फूल बेलपत्र और तमाम चीजें लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। कतार अभी ये आपको मंदिर प्रांगण के अंदर दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाहर ये लगभग 4 किलोमीटर की लंबी लाइन हो चुकी है, जिसमें महिलाएं बच्चे बुजुर्ग हर कोई खड़ा है। हालांकि बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उन्हें कोई लाइन नहीं लेना, वो सीधे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइन है वो बहुत लंबी हो चुकी है। भक्तों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। आप मान्यता की बात कर रही थी, तो ये पहला शायद ऐसा मंदिर है जहां पर जो शिवलिंग है वो लगभग 4 फीट नीचे है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं वो भी यहाँ के तमाम तमाम कहानियां लेकर आते हैं। कहानी ये भी है कि यहाँ पर पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी, जहाँ पर इस गांव के जो यहाँ पर गांव के आसपास वहाँ की गाय जैसे ही उस जगह पर है कि शिवलिंग के आसपास पहुँचती थी, उनके शरीर से अपने आप दूध निकलने लगता था, और कई दिन तक गांव वाले समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन बाद में उस जगह की जब खुदाई की गई तो वहाँ पर फिर ये शिवलिंग प्रकट हुआ। बहुत सारी मान्यता इस मंदिर को लेकर है। खुद शिव के सबसे बड़े भक्त रावण यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, उनके पिता यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। तो इस तरह से मंदिर बेहद खास, आस्था बेहद खास, यही वजह है कि यहाँ पर इतनी लंबी कतार आपको दिखाई पड़ती है। कितनी तैयारी रहती है आज के दिन के लिए? आपको रील बना रही है? हर हर महादेव। रील बना रही है? हाँ जी। रील बना रही है? नहीं नहीं, वीडियो, नॉर्मल वीडियो। कितनी तैयारी आज के दिन की होती है? व्रत है आप? हाँ जी। कितनी तैयारी होती है आज के दिन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पूरे दिन हमें श्रद्धा में रहना है। क्या कुछ आज करते हैं आप लोग व्रत के अलावा? क्या व्रत के अलावा क्या करते हो? कुछ नहीं, बस व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, और क्या करेंगे, यही करते हैं। इधर से लाइन में हो? हम यहाँ से आधा घंटा हो गया हमें तो। भक्त मंदिरों में आज पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने आराध्य से दुआ कर रहे हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। शिल्पी आप बताइए, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपने बताया कि सुबह से ही भक्त जो है पहुंचे हुए हैं, लाखों की तादाद में भक्त जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है आज के दिन जलाभिषेक का विशेष महत्व है, और भगवान की पूजा की थाली में क्या क्या लेकर भक्त वहां पहुंच रहे हैं? शिल्पी क्या मुझे सुन पा रही है? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, सवाल दोहराए अपना। जी मैं कह रही थी कि आज के दिन जलाभिषेक का खास महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर भगवान पर जलाभिषेक किया जाए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही भक्त जो है अपनी थाली में पूजा अर्चना के लिए कई तरह की चीजें लेकर आते हैं। आज भक्तों की थाली में क्या है? बिल्कुल, देखिए महादेव की जब बात करते हैं तो बात प्रकृति संरक्षण की भी होती है, संतुलन की भी होती है। तो क्या क्या चीजें लेकर पहुंचते हैं उसके लिए पहले ये दुकान देखिए। वैसे किसी और पूजा में लोग घर से सामान लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ हम सफेद लाल पुष्प देख पा रहे हैं, बेलपत्र देख पा रहे हैं, बेल देख पा रहे हैं, धतूरा देख पा रहे हैं। इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि आज के दिन क्या क्या विशेष चढ़ता है, क्योंकि महादेव को बहुत सारी ऐसी चीजें चढ़ती हैं जो हम देखते हैं कि सिर्फ महादेव जिनको स्वीकार करते हैं। कहा होता है बेलपत्र, भांग, धतूरा सबसे मेन चीज, बाकी तो अन्य चीज सब चढ़ते हैं, जो भी मिल जाए, बेलपत्र है, फूल है, भांग है, जो भी होता है वो सब चढ़ता है। बिल्कुल, आप इनका लोग आते हैं, आप हम देख रहे हैं इनका एक कॉम्बिनेशन बना करके अलग अलग चीजें टोकरी में रख करके लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि हमें दिक्कत ना हो, आज का मतलब जो भक्त आते हैं उनको जल्दी जल्दी मिल जाए सामान, वो जल्दी जल्दी दर्शन करें। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर गंगा जल भी आप दे रहे हैं लोगों को, वो भी लोग जी वो भी चलता है, भोलेनाथ जी पे गंगा जल है और भस्म है, श्रृंगार के लिए सारा सामान चलता है। ये जो चीजें हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग चढ़ा रहे हैं, अब लोगों के पास हम देखते हैं। देखिए ये पूरा जितनी दूर तक लाइन है वहाँ लोग हम देख रहे हैं अलग अलग सामान लेकर के आए, इनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, बहुत उत्साहित होकर के दर्शन हो गए आपके? लग जी बहुत अच्छे से। तो आज आज तो भोलेनाथ का विशेष दिन है, कोई भोलेनाथ की आराधना? ठीक है, सही सही। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये जो युवा हैं ये आए हैं। देखिए युवा, वैसे कहा जाता है कि मंदिर आजकल युवा और वो भी महादेव की आराधना, महादेव मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, तभी तो आते हैं हम लोग। कितनी देर से आप लाइन? हम लोग लगे 3 घंटे हो गए।
तीन घंटे हो गए हैं, देखिए तीन घंटे हो गए हैं, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं जी शिल्पी, हमें कोई कमी नहीं है। सुबह से ही लोग जो हैं लंबी लंबी कतारों में शिवालयों के बाहर खड़े हैं। थाली आपने दिखाई कि किस तरह से भोले को रिझाने के लिए लोग अपनी अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। काशी से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। और एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी पंडित संजय जी का। संजय जी, आपने बताया था कि जो पूजा होती है शिवरात्रि की, चार पहर होते हैं, तो इन पहरों के बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए कौन से हैं ये चार पहर। देखो, चार पहर जो होते हैं, प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ पहर। तो जो सबसे मिड टाइम है वो जो है उस वक्त जो है हमारा शिव योग बन रहा है, रात को 12:05 से लेकर 12:26 तक। उस वक्त जो पूजा की जाएगी उसका विशेष लाभ रहता है। और जीवन के अंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, तो इन जो ज्योतिर्लिंग है उनको आप देखें 79 ईस्ट के ऊपर जो है विराजमान है। तो उस जगह पर जब आप पूजा करेंगे उस मुहूर्त में शिव योग में, क्योंकि पूरा संसार शिव में हो चुका है, तो इस वक्त जो पूजा की जाएगी चार पहर की, तो वो पूजा का महत्व बहुत ज्यादा होगा। और जैसे पार्वती जी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था, आज के दिन जो भी शिव में होना चाहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है भगवान शिव को लेकर के, जो भी मांगना चाहते हैं, तो इस पहर में अगर आप पूजा करें तो भगवान शिव आपको अवश्य देंगे। और उनका ध्यान करते जाएं, और अगर हो सके तो 12 ज्योतिर्लिंग का जो है ध्यान करें, उनका जो है मन में स्मरण करें, उससे विशेष करके व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा लाभ रहता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको महामृत्युंजय मंत्र जिस प्रकार से है, तो आज का दिन बेहद खास, आज के दिन भगवान की पूजा अर्चना करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे सहयोगी शिल्पी और मनीष रसिया का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेंगे, लेकिन जीएनटी पर महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारी यह महाकवरेज जारी रहेगी। तो बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर और हमें दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए।